हर कोई पैसे के बारे में नहीं सोचता। हाँ, मैं सोचती हूँ बड़ी माँ, मैं सिर्फ पैसों के बारे में सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि गरीब घर से ना सही पर कम पैसे वाले घर में तो बड़ी हुई हूँ ना मैं, इतना तो मानोगे ना। और फिर भी मैंने हमेशा पैसों के बारे में सोचा है, विश्वास करो मेरा। क्यों? मेरे पास तो सब कुछ था, प्यार था, इज्जत थी, जुड़ाव था, अपनापन था, वो सब था जो माने का। फिर भी मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा क्योंकि ना छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारा है मैंने। एक बार मुझे एक हील वाली सैंडल लेनी थी, बड़ी माँ एक साल नहीं, दो साल नहीं, सालों तक उस दुकान में देखती रही। आप लोगों से कुछ कहा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यही जवाब आता कि फिजूल के खर्चे नहीं। और देखती थी ना मैं कि नहीं है पैसे, तो अगर जरूरतों के लिए पैसे नहीं थे तो ख्वाहिशें कैसे पूरी होती। और प्यू बच्ची मुझसे ज्यादा छोटी नहीं है पर हूं तो मैं उसकी बड़ी बहन ना। बड़ी माँ मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे लगाव है उससे, मुझे फिक्र होती है उसकी। पापा का प्यार तो वो देख नहीं पाए और मामा का तो आपको पता है ना, उसने हमेशा उन्हें बिजी पाया। एक मिनट खुशी, तूने कहा कि तू पूर्वी की बड़ी बहन है, उसका अच्छा चाहती, उसकी चिंता है तुझे, अच्छी बात है। अगर तुझे लगता है कि ये शादी सही नहीं है, ये रिश्ता पूर्वी के लिए सही नहीं है, तो एक काम क्यों नहीं कर लेती, पूर्वी से बात कर लेना, फिर पता चल जाएगा कि वो इस रिश्ते को लेके क्या सोचती है, क्या फील करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नजरिया पता चल जाएगा। जहां तक अमीर इंसान की बात है तो मुझे लगता है कि आशुतोष किसी अमीर आदमी से खुशी रखेगा पूर्वी को। और मैं अमीर इंसान की बात क्यों कर रही हूँ पता है ना तुझे? मेरी बात करिए ना। हाँ, तूने की एक अमीर इंसान से शादी, वो बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि उसके पास सब कुछ है, दुनिया भर का पैसा, सिवाय एक चीज के, टाइम, समय, यहाँ तक कि तेरे लिए भी समय नहीं उसके पास। तू ही बता क्या फायदा ऐसे पैसे का, कम से कम मैं खुश तो हूं ना। पर आपका क्या, आपकी चॉइसेस, आपके पसंद का क्या, उससे क्या हुआ खुशी? ये लड़की ना किसके सामने क्या कहना है कुछ पूछ ही नहीं। नाराज है वो माँ, पूर्वी की चिंता है उससे, और आपको पता है ना बचपन से इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि वो हमें अपना मानती है, हमारी चिंता है उसे, और यहाँ कोई भी उसकी चिंता को समझता नहीं, इसलिए उसे गुस्सा आता है। मैं देखती हूँ उसे। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, खुशी देने आती है, हमेशा दुख मिलता है उसे यहाँ। ठीक है। इस शहर में रहता नहीं हूं तब इतने लोग आ रहे हैं, अगर रहने लगूंगा तो कितने लोग आएंगे। सॉरी सर, मैं अंदर था, मैं देखता हूं। नहीं नहीं, मैं देखता हूं। तुम? हाँ, मैं आने वाली थी ना। हमारी फोन पे बात हुई थी क्या? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। नहीं नहीं, इट्स ओके, कम इन। एक सेकंड रुको, ये मुझे दो। नहीं, इट्स ओके, मैं पकड़ लूंगी ना। मैंने कहा मुझे दो तो। ओके सर। आप पानी लेके आइए, चलो। बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे पैर पे खरोच आई है, देखो लग गई। हाँ, वो खरोच की वजह से नहीं, शायद मेरा पैर मुड़ गया था तो दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। मैं एक बार घर जाऊंगी ना तो माँ ठीक कर देगी, उन्हें पता है कैसे ठीक करता है, बस एक बार घर पहुंच जाऊं। ये घर नहीं है, दिखा। अब नहीं, आप मेरा पैर मत पकड़िए। तुम्हारा पैर मैं माफी मांगने के लिए नहीं पकड़ रहा,
तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूँ ताकि ठीक कर सकूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। It's okay, वो ठीक हो जाएगा। अब प्लीज। तुम्हारे पापा अगर तुम्हारा पैर ऐसे पकड़ते, उनको मना करती तुम? नहीं ना। पापा, मेरे पापा नहीं है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा डैड बन जाता, तुम वो खालीपन भर देती हो। साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया। हो गया। नाता, तुम्हारे नाखून बहुत तेज है। तुम्हारी एंगेजमेंट कब हुई? जी, एंगेजमेंट रिंग, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे हाथ में मरहम लगा रहा था तो ये रिंग थी नहीं। ये क्यों किया तुमने? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सो? वो एंगेजमेंट कल है, मुझे साइज चेक करना था इसलिए पहनकर देखी, क्योंकि कल तो फिर वापस पहननी है ना। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तुम्हारे साथ जिंदगी में सब अच्छा अच्छा ही होगा। अच्छे से आधा है ये। हाँ, ये लौटाने थे। इतनी अच्छी हो तुम। नहीं, आपको प्रॉमिस किया था ना। और वादे तो बहुत अच्छे से निभाती हो तुम। हमेशा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मेरे मंगेतर वेट कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है? बेटर, थैंक यू। अजीब है, मैं इसका ख्याल रख रहा था तो अपनी बेटी को मिस करने लग गया, अपनी खुशी को, और लगा कि यही मेरी बेटी है। जल्दी करो भाई, और कितना टाइम लगेगा, कब से लगे हुए हो? क्या करूँ, कैसे जल्दी दे दूँ, इतना काम है इसमें, देख रहे हो ना। अरे भाई, तुम मैकेनिक ही हो ना, काम जानते हो ना अपना? जानता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। अरे भाई बोलो मत, काम करो यार, हादब अब तो बोलने में खराब कर रहे हो तुम, कब से बोले ही। अरे पूर्वी, ये मुझको ना उल्लू बना रहा है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत जो मुझे बेवकूफ बनाए कोई? पर हुआ क्या? सिंपली मैं अटैक कर रहा है, बोल रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, जबकि मैं इसको ना देख रहा हूँ पूर्वी, कब से यहाँ से बैठ रहा है यहाँ पे, यहाँ से बैठ रहा है यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम कर देगा, फिर जो है बिल मुझे बढ़ा के देगा, है ना, सब जानता हूँ मैं। हक्का मांग रहा हूँ साहब। अरे भाई, मैं भी अपने हक की बात कर रहा हूँ ना, मैं तेरा हक खाने को समझा कि नहीं दूँ? और वैसे भी जिसने मेरी स्कूटी को ठोका है वो देगा ना इसके पैसे, मैं इसके पैसे क्यों दूँ? जब तक मेरा क्लेम पास नहीं होता ना, तब तक मैं इसका एक झेला तुझे नहीं दूँ, समझा तू? कौन सा लाखों का बिल है, सही तो लगा रहा हूँ। पागल है क्या, पहले कितने गए थे? 3,000, फिर कितने गए? 3,500, पता नहीं शाम होती होती तो ये जो है बढ़ा देगा और फिर बोल देगा 50,000 रुपए लग गए। आप उतने में तो नया स्कूटी आ जाता है, उतना नहीं बोलूंगा मैं। पर बोल तो दिया ना, पहले कहे 3, फिर कहे 3,500, वैसे ही तुमने मान लो आगे और बढ़ा दिया तो 3,500 से एक पैसा ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना मैडम? अरे ये क्यों बोल रहे हो, मेरी स्कूटी है ना, मुझसे करो बात। नहीं नहीं आशुतोष, स्कूटी तुम्हारी है, वो बस मेरी तरफ देख के कह रहा है, मतलब पक्का कर रहा है कि 3,500 से ज्यादा नहीं लेगा। मैं गवाह हूं, इट्स ओके, रिलैक्स। पक्का 3,500? लिख दो कागज पे, साइन कर देता हूँ। गवाह है, फिर बोलना मत। हाँ ठीक है, चलता हूँ, शाम को आता हूँ, अच्छे से करना काम, और ना कि चेक भी करूंगा, थोड़ा भी ध्यान नहीं तो दुनिया लूटने में लगी, पता तुमको पूर्वी? अरे मतलब इंसान खून पसीने की मेहनत से अपने दो पैसे बचाता है यार, और ये पक्का बोलता 50,000 रुपए, तो मैंने अपनी समझ दिखाई और मैंने बचाए पूरे 46,500 रुपए।
और मात्र 3,500 रुपए में मेरी स्कूटी जो एकदम टकाटक हो जाएगी। पूर्वी ऐसे चलता है घर, समझ रही हो तुम? ऐसे नहीं कि बस। अरे मैं उन्हें पैसे देकर आ गई, बहुत अच्छे इंसान थे वो, पता है पहले तो ले ही नहीं रहे थे लेकिन फिर मैंने। अरे मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है यार, मैं तो कॉल करना तो भूल ही गया। मैं कॉल करता हूँ, तुम ऑटो बुलाओ, है ना? हाँ हो गई बात? नहीं 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 नहीं, बात हुई थी, बात हुई थी 500 रुपए की। हाँ नहीं तो आपने कितने कहे थे? 300 नहीं थे, 500 रुपए थे। हाँ हाँ तो फिर चले। हाँ रुको रुको। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं आपकी बात सही है लेकिन मैं आपको सिर्फ 500 रुपए दूंगा, है ना? नहीं 600 की बात नहीं हुई थी। बचा ले भाई, प्लीज बचा ले भाई। युग क्या हुआ भाई? प्लीज आराम से यार, काम डाउन। क्या हुआ, किससे डरा? अरे बता दूंगा क्या हुआ अगर मैं जिंदा बचा तो, प्लीज लेकिन अभी तू बचा ले फिलहाल। अगर प्लीज बता दूंगा भाई, प्लीज बता। क्या हो गया? खूब ही आ रहे हैं यार। कौन यार वो? अबे आराम से युग। अरे हो क्या गया तुझे? क्या हुआ? अरे ऐसा कौन? आप, तेरे बाप का बाप इधर आ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप बहुत खतरनाक लग रहे हो। यू लुकिंग वेरी डेंजरस। क्योंकि मैं हूं डेंजरस वाला खतरनाक। मेरी उम्र पे मत जाना, उम्र में जो पाया उसे जान लेना। जूडो कराटे के साथ साथ ब्लैक बेल्ट भी है मेरे दोस्त के पास। फोन करके अभी बुला लूंगा। कहाँ है तेरा छोटे, कहाँ है तेरा ड्रगे बाज, कहाँ है? बोल नहीं तो। अरे नहीं नहीं वाह, सोफे के पीछे। गॉड भगवान, सॉरी 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 यार, तुझे बचाने में तूने बास तू दादाजी, प्लीज 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 एक सेकंड। अरे तू पागल है क्या? दादाजी से झूठ कौन बोलेगा? इनकी उम्र पे मत जा, जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट सब है इनके दोस्त के पास। और तू क्या है यार? मैं तेरे भाई। हाँ वो तो तुझे विरासत में मिला, उसके अलावा क्या आता है तुझे? बस जिम में यूं डंबल उठाना, पुल अप करना, पुश अप करना, बस। तू क्या ब्लैक बेल्ट से जीतेगा क्या? फॉरगेट इट। जाओ जी ये पकड़ो, ये रहा पकड़ो, पकड़िए। अरे हाँ बस इतना बोल दीजिए कि इसने किया क्या है। तू बताएगा या मैं बताऊं? आप ही बता दो, मेरे लिए तो शर्मनाक है और मैं अब शर्म से नाक नहीं कटवा सकता भाई। पर तूने जो किया है ना उसके लिए अब ना तेरी नाक बची है ना ही शर्म। इसने अपना सोशल आईडी बनाया है और उसमें नाम है युग माँ का आशीर्वाद। युग माँ का आशीर्वाद? तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? ओए गड़बड़ का बाप है। युग माँ का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद क्यों नहीं? ओए इसने मेरा सीना छलनी कर दिया, इसीलिए आप मुझे अपनी छड़ी से छलनी करना चाहते हो? बंदूक से छलनी नहीं कर रहा। दादाजी काम डाउन, ये थोड़ा ज्यादा नहीं? चल कम कर देता हूँ, तू कहे तो पूरा झमेला ही खत्म कर देता हूँ। बस ये लिख दे युग दादाजी का आशीर्वाद, मैं इसे माफ कर दूंगा। ओ यार तुम दोनों को लेके मैं बड़ा पजेसिव हूँ, मेरी जान हो तुम दोनों, तुम्हारे चाचा चाची मामा मामी तुम्हारी मम्मी दादी इन सब से ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। वरना तुम जानते हो कि मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे पास जूडो कराटे के साथ साथ ब्लैक बेल्ट वाला दोस्त भी है। लव यू टू दादाजी। दादू दादू
यार दादाजी ये सब आप आराम से भी तो कह सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी। यूजर नेम चेंज कर लेता हूँ। पता कितनी लगी है भाई, तू फोन रख ले मेरा। राज। हाँ दादाजी। क्या बात है, ये हसीना थोड़ी ऊपर ऊपर वाली है, अंदर परेशानी क्या है बता। नहीं। देख पुत्र, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी दादी नहीं, लेकिन मेरा कलेजा तेरी दादी जैसा है, तेरी माँ जैसा है। तुम्हारे बिना कुछ बताए भी मैं सब समझ जाता हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। बता क्या हुआ। वो ये क्यों किया तुमने, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। दिया पांच पांच के बना, थोड़ा जल्दी। छह है, कोई आया देख जल्दी। पूर्वी आ गई होगी। हाय। हाय। आजो, पूर्वी दी आ गई। हाँ पता ही था मुझे। कैसी थी शॉपिंग? बहुत अच्छी। अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ बैठूँ, मैं लेकर आती हूँ। अरे आशुतोष। आजो आशुतोष, बैठो। चाय पियोगी पूर्वी? चाय भी बना देना आशुतोष के लिए। पानी। सब बढ़िया सब बढ़िया। अरे सुन, मैं वो मिस्टर कक्कर के घर गई थी, मिस्टर कृष्णा कक्कर है ना? पर उनका एड्रेस तो गलत ही निकला, उन्होंने गलत एड्रेस दिया था क्या? एड्रेस गलत, ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी उनके घर गई थी और हाँ, मैं पैसे भी वापस दे के आ गई। पैसे कहाँ से लाई तू? वो शॉपिंग से बच गए। बच गए या बचाए? माँ वो कपड़े लेने गई थी ना, तो दुकान थोड़ी बड़ी थी, तो कपड़ों के बिल के साथ साथ एसी का भी बिल लगा दिया, लेकिन भावताव करवा लिया। भावताव तूने किया? नहीं, आशुतोष जी ने। और नहीं तो क्या, मैं कम थोड़ी हूँ। वही कि वही सारा हिसाब लगा के बता दिया मैंने उनको, समझाया उनको कि जो है गुजरात की सूरत से कपड़ा आने में कितना लगता है, दुकान का भाड़ा, आने जाने का किराया, दुकान का लाइट बिल, सबकी मजदूरी, सब कुछ जोड़ के मैंने दे दिया उनको। यहाँ तक कि उन्हें भी बताया कि 12 महीने में से पहले 8 महीने कपड़े कुछ खास नहीं बिकते हैं, लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं त्योहारों की लाइन लग जाती है, हैं? कभी नवरात्रा, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी छठ पूजा, फिर कुछ और कुछ और। यहाँ तक कि शादी का सीजन भी शुरू हो जाता है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हो कपड़ों के। पूरे 25 मिनट में शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ समझाया मैंने उसको। फिर क्या था, फिर तो कम दाम में कपड़े देने ही थे तो दिए और हम लेकर आए कपड़े। 25 मिनट, फिर तो तुम्हारी बातों से पक गए होंगे ना वो। खुशी। राजीव। हाँ माँ। ये सब्जियाँ ले आई हूँ बेटा, जरा एक बार देख लेना। okay, okay, अरे आ गए तुम लोग, कैसी रही शॉपिंग? अच्छी थी। आ तो गए पर लगता है कि अब चलना होगा। क्यों, क्या हुआ? वो किसी की नजर लग गई मेरी स्कूटी को, तो अभी जाके बात करनी होगी इंश्योरेंस कंपनी से। क्या हो गया स्कूटी को? आप पूर्वी से पूछ लीजिए, मैं लेटर हूँ थोड़ा। अरे लेकिन वो चाय कॉफी तो पी लो। अरे कुछ खा पी, मैं बाद में पी लूं। आशुतोष जी आप। पूर्वी क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस स्कूटर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। तुझे कुछ हुआ नहीं ना, चोट वोट तो नहीं आई कहीं? नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है, स्कूटी से गिरी है, कार से थोड़ी पता कहाँ लगी। नहीं सच में मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं पिछली दी, मैं सच में ठीक हूँ। चल मुझे तेरे साथ बात कर। क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? खुशी ठीक है ना? वैसे मुझे नहीं लगता, पर क्या बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो सब बोलते कि ये बोलती बहुत है। खुशी ठीक है और जिस दिन ठीक नहीं होगी इस घर में आना बंद कर देगी। दिव्या चल कल के लिए कपड़े सिलेक्ट करते, वरना मुझे एन वक्त पर वो स्यापा नहीं चाहिए, ये कहाँ गया, वो कहाँ है। चल चल जल्दी करते। बहुत हाँ। वैसे भी चल। आप प्राची चल बेटा, बहुत सारा काम बाकी है, चलो करते। अपना ध्यान सही जगह पे लगाओ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे घाव होते हैं जो वक्त के साथ ही भरते हैं। कभी कभी कुछ घाव भरते नहीं है माँ। तो जब ऐसा हो तो जिंदगी की मर्जी समझकर उन घावों के साथ जीना सीख लेना चाहिए बेटा। हर एक चीज पर हमारा बस नहीं है, छोड़ दो। बता। बोलना बोलना, अब बोल। मुझे डांट पड़वाई थी ना, अब तू बोल। नहीं बोलेगा दादाजी, सब आपका असर है। आई मीन
दादाजी ये कुछ नहीं बोलेगा, आपको देख के एकदम बदल जाता है, एकदम मुंह बंद टाइप्स। ऑफिस में देखो इसको, मीटिंग्स में इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि और कोई बोल ही नहीं सकता। बट बस के खिलाफ के कृष्णा कक्कड़ दादाजी, नींदे उड़ा रखी है उसने अपनी आरवी की, बट आई तो रियली लाइक हिम यार। क्या बोलता है, क्या स्वैग है, क्या स्टाइल है, मतलब मक्खन जैसे स्मूथ, पर जो बोल दे वो पत्थर की लकीर। यार पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद है वो, मन करता है उसे देखता रहूं, उसे सुनता रहूं, बस कृष्णा कक्कड़। ओए शुक्र है ऊपर वाले का, लड़की नहीं है, वरना तो पूरी बिरादरी के सामने मेरी नाक कटवा देता। कृष्णा कक्कड़ के साथ भाग जाता, शादी कर लेता और मैं मुंह दिखाने लायक ना रहता। दादू आपको शादी वादी के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? ना ना सोचता है, बताऊं? इधर आ। अरे आई छोड़ो दादाजी, छोड़ो, लग रही है यार इंसान हूँ मैं। किस एंगल से इंसान है? अरे फिलहाल तो इस कान के एंगल से भाई, देख ना। तो बताना, बताना तो पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, नहीं तो और खींचूंगा। सॉरी 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 सॉरी। चुपचाप खड़ा रहा एक तरफ। मेरे राज की नींदे कृष्णा कक्कड़ नहीं, मेरे सपनों की उड़ाएगी जब भी आएगी। दादाजी प्लीज। भाई क्या प्लीज, शादी तो करनी पड़ती है ना एक दिन, सब करते हैं, तू कोई अजूबा थोड़े ही है, सब करते हैं शादी। हाँ कुछ लोग नहीं करते, पर आजकल तो वो भी करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। पर तू इतनी टेंशन में क्यों है? वो एक्चुअली आज मेरी कार का एक स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया है? और तू अभी बता रहा इसकी बकवास सुनने के बाद, इसका तमाशा देखने के बाद, तू ठीक है ना? दादाजी मैं ठीक हूँ, लेकिन एक अजीब बात हुई। उस स्कूटर पर जो लड़की थी उसकी एंगेजमेंट रिंग गिर गई। मैंने वो रिंग उठाई उसे देने के लिए, लेकिन उसने अपना हाथ यूं आगे किया और मैंने जल्दी में उसे पहना दी। Are you for real, bro? तूने सच में अंगूठी पहना दी उसे? वाह वाह वाह। और फिर वो लेक्चर देने लगी कि इस उंगली की नस हार्ट तक जाती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दिल की खबर रखती है वो लड़की। अच्छा देखने में कैसी है? नहीं देखने में तो वो देखने में सोसो ही थी, मतलब ऐसी भी कोई सुंदर नहीं थी। इधर देख, अब उस लड़की का भाग्य तेरे साथ जुड़ गया और मेरी होने वाली बहू को हमेशा खूबसूरत ही कहना। दादाजी प्लीज यार मजाक मत करो आप। मजाक? कोई मजाक क्या है, जो भाग्य में आना होता है वो तो आता ही है चाहे कैसे। देख जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, उस लड़की का भाग्य तेरे साथ जुड़ गया है, उसके भाग्य में अब तेरा रिजर्वेशन हो गया है, तू बुक हो गया है, तुम दोनों का रिश्ता जोड़ी पक्की हो गई है। और अगर सात फेरे भी ले लिए तो सात जन्मों तक तू उसके भाग्य में लिख लिया गया। दादाजी मैं जा रहा हूँ। यकीन मान मेरी बात का, नाम पूछा उसका। मैं जाऊं? अभी तो मैं जाता हूं, तेरी दादी बुला रही है, वॉक का टाइम हो गया है, और तेरा मेरी बहू के साथ लाइफ हर वॉक का टाइम आ गया है। मान ले मेरी बात, चलता हूं, फिर आता हूं।
दादू। ए भाई क्या है यार तू? यार तूने मुझे तो बताया नहीं। अच्छा एक बात बता, ये सो सो दिखने वाली लड़की पूर्वी थी क्या? पूर्वी? नहीं। पूर्वी? पूर्वी क्यों होगी? फिर पूर्वी नहीं थी। पियू ये रिंग तेरे हाथ में कहां से आई? हमने अलाउ कर दिया है ना, कल तेरी एंगेजमेंट है, फिर ये चोरी चोरी? नहीं ये नहीं हो सकता, आशुतोष नहीं हो सकता। वो तो रीति रिवाज कायदे कानून मानने वाला बंदा है। रात के 3 बजे अगर वो सिग्नल पे हो ना और उसके आगे पीछे कोई ना हो, फिर भी वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा। और मुहूर्त से पहले वो ये तो नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो दी तू बताएगी कि क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस इसे ट्राई करके देख रही थी। और बोल रही है आउच, क्यों मारा? और जोर से मारूंगी, सच बता। दी मेरी एंगेजमेंट रिंग है और क्या? व्हाट, इतनी दुबली पतली? इसे देखकर पक्का बता सकती हूँ कि उस आशुतोष ने सिलेक्ट किया, उसने किया ना, बता कंजूस कहीं का। पर वो अकेले में तो नहीं पहनाएगा ना? हाँ वो ऐसा बंदा तो है नहीं कि अकेले में अंगूठी पहनाती, ये सही कह रही है दिया। दिया तो हमेशा ही सही होती है। और अब तो सच बोलेगी? और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगी। नहीं मुझे तुम दोनों को कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम दोनों को कुछ भी बताऊंगी ना तुम दोनों मिलके मेरी टांग खींचोगे, मेरा जीना मुश्किल कर दोगे। सो इट्स बेटर कि मैं तुम दोनों कुछ भी। अरे तू भाग कर रही है, तुझे क्या लगता है बिना सच जाने हम तुझे जाने देंगे? और टांग खींचेंगे तो खिंचवा लेना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे पर मुझे कुछ बताना ही नहीं है। नहीं बताना? नहीं। हाँ अब तो तेरी शादी होने वाली है, तू मुझसे दूर हो जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, अपने अलग घर में, वहाँ तेरे अलग अपने होंगे, उनको सब बताएगी ना, मुझे क्यों बताएगी? कोई बात नहीं तुम मत बता। दी आरवी ने पहनाई है।